बदलते मौसम और जीवन शैली की वजह से कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कुछ ऐसी प्राकृतिक उपाय हैं जिनका लाभ असाधारण है। खास बात यह है कि इसे उपयोग करने में किसी प्रकार का कोई खर्च भी नहीं आता। साथ ही 18 बीमारियों से हम दूर रहते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक रोजाना सूर्योदय के बाद धूप लेना सेहत के लिए रामबाण साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का दावा है कि धूप का सही मात्रा में सेवन करने से शरीर को 18 बीमारियों से बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कब और कैसे धूप लेना फायदेमंद है। सभी के लिए जरूरी है। जितने भी दुनिया के अंदर जो जीवन चल रहा है वह धूप पे डिपेंडेंट है। कैसे कि जो वेजिटेरियन है वो सब अपने पेड़ पौधों से हम लोग भोजन लेते हैं और पेड़ पौधे जो है धूप के अंदर भोजन का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से लेकर भोजन का निर्माण करते हैं। मनुष्य शरीर के लिए धूप, क्योंकि भोजन के लिए हम धूप के बिना भोजन संभव ही नहीं है, क्योंकि जो जितने भी नॉन वेज मांसाहारी जीव हैं वो जो है इनडायरेक्टली डिपेंडेंट करते हैं शाकाहारी जीवों पर, और शाकाहारी जीव जो है पौधों पर, और पौधों के लिए धूप के बिना पौधे या लाइफ संभव नहीं है। तो ये तो हुई एक जनरल बात। मनुष्य के लिए धूप इतनी ज़रूरी है कि इसमें विटामिन डी जो है वो हमारी त्वचा में बनता है। तो धूप के अंदर बैठने से या धूप के एक्सपोजर से हमारी त्वचा जो है उस विटामिन का नेचुरल निर्माण करती है, तो हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितने भी लोग जो बाहर मजदूर भाई हैं, खेती में काम करते हैं, और लोग हैं जो जिनका बाहर एक्सपोजर होता है, उनमें विटामिन डी की कमी कभी नहीं होती। लेकिन आजकल देखा गया है कि लोग एसी के अंदर बंद कमरों में सुबह से रात तक काम करते हैं और धूप जो है उनको नहीं मिल पाती है। कपड़े पहनकर यदि धूप में निकलते हैं तो भी स्किन का एक्सपोजर धूप से बिल्कुल नहीं होता, तो उसकी वजह से विटामिन डी की कमी हो रही है। विटामिन डी की कमी से जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, मसल्स कमज़ोर होती हैं, और बहुत सारी शरीर में ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से चिकनाई शरीर में इकट्ठी होती है, स्टेमिना कम होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, मोटापा बढ़ता है, शुगर होने का भी, आगे जाकर कोलेस्ट्रॉल शुगर बढ़ने का भी डर रहता है। तो विटामिन डी को एक तरह से आजकल न सिर्फ विटामिन बल्कि एक हार्मोन, एक शरीर का ज़रूरी केमिकल माना गया है, और जिन लोगों का धूप में एक्सपोजर नहीं होता है उसमें इनकी कमी होने की संभावना नहीं है। ज़्यादा धूप जो है वो खतरनाक होती है, विशेष तौर से ऊंचाई के इलाकों में, समुद्र के किनारे पर जहाँ पे धूप सीधी पड़ती है, बहुत तेज़ पड़ती है, वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं वो आँखों को नुकसान कर सकती हैं, स्किन को नुकसान कर सकती हैं। लेकिन सुबह सुबह की धूप यदि उसका आधा घंटे तक, 30 मिनट तक यदि धूप में बैठा जाए तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सूर्य नमस्कार जैसी चीज़ों का वर्णन किया गया है योगा में और इसमें, क्योंकि धूप से एक तरह का जीवन है, धूप जीवनदायी नहीं है। ये बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि विटामिन डी की कमी से हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इम्यूनिटी कम होने से इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए क्या है कि इस पेट के भी इन्फेक्शंस, सभी इन्फेक्शंस जो है यदि विटामिन डी कम होता है तो इम्यूनिटी कम होने से इनके इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए बच्चों में भी, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दिया जाता है, और ये उन लोगों को विशेष तौर से लेना चाहिए विटामिन डी जो धूप में नहीं, बिल्कुल मजबूत होती है धूप का सेवन करने से।